लटरी लगे तो कहते हमारे सबसे बोलते ना सबसे बढ़िया दिन आज लटरी लग गया। आप बोलोगे कि आज हमारी लटरी सचमुच से लग गया। हाँ, शंकर जी कहते हैं पार्वती को, बोले पार्वती कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिषा दंड भर एको भर। शंकर जी ये पार्वती को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अरे बोलो जोर से। हाँ देखो, कोई साधारण व्यक्ति अगर कोई बात को बोल भैया मोदी बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, जरूर उसमें कुछ दम है। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं। हम कहते ना देव देव महादेव, जोगी जोगी सत्यम शिवम, कहते ना शंकर जी को। लेकिन कहते हैं कि इसको श्रोता कौन? श्रोता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो स्वयं जगदम्बा जगत जननी माँ कौन है? कहते माँ पार्वती को ये शंकर जी कह रहे हैं। बोले पार्वती में अगर सत्संग अगर जीवन में थोड़ी सी अगर जीव को मिल जाए हैं, कहते उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है अगर जीवन में थोड़ी सी अगर सत्संग जीवन में मिल जाए तो। अब बोलो कि भैया, अब गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कहते जगत में दो चीज बड़ा दुर्लभ है। बोले क्या है? बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो कहते एक संतों का संग दुर्लभ है और दूसरी जो चीज जो दुर्लभ है भगवान की कथा, भगवान की कथा एक दुर्लभ और दूसरे संतों का संग भी दुर्लभ है। लेकिन देखो गोस्वामी जी कहते हैं बीत तारा और सुत पापी को भी होए। कहते धन दौलत पुत्र परिवार एक दुष्ट व्यक्ति को पास में भी हो सकता है, हैं? दुष्ट व्यक्ति को पास में भी हो सकता है, लेकिन शंकर जी गोस्वामी जी कहते लेकिन संत समागम हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ। तो दो चीज बड़ा दुर्लभ चीज है, साधारण भाग्य से ये सत्संग हमें नहीं मिलती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ नाश होई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो कभी जीवन में संतों का संग भी जीवन में नहीं मिलती है। अब हनुमान जी का नाम जानते हो? सुने कि नहीं सुने ना? हनुमान जी जानते हो? जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका में पहुंचे, रामायण देखे हो? कौन कौन देखे हो? हाँ देखो, इसमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका में पहुंचे, वो तो ढूंढ रहे थे मैया सीता कहाँ सीता कहाँ, लेकिन हठात उन्होंने एक तुलसी बगीचा देखा। बोले तुलसी बाग लंका में जहाँ रावण रहता है, ये तुलसी बाग कहाँ से आ गया? तुलसी बगीचा किसको घर में रहते हैं? किसी भक्तों के घर में तुलसी वृक्ष होता है, हैं? शंकर जी केवल तुलसी वृक्षों को देख करके शंकर हनुमान जी केवल तभी उन्हें उत्तर थे। इसका मतलब है कहते अगर जिसके घर में तुलसी पौधा हो ना, हनुमान जी उस घर में आ जाएंगे, वो समझ लेंगे भैया किसी भक्त यहाँ पर रह रहे हैं, कोई भगवान की भक्तों को ही घर में रह रहे हैं। इसलिए घर में तुलसी पौधा जरूर होनी चाहिए। पहले हर हिंदू घर में तुलसी पौधा लगाते थे कि कहते ना अपना आंगन में क्या लगाओ? तुलसी पौधा। घर में है कि नहीं तुलसी पौधा? घर में है ना? हाँ देखो, हमारे ऋषि मुनि लोग जो जो चीज को रख कर गए ना, वो सबके सब साइंस ही है। ये मत समझो अरे तुलसी पेड़ रखने से क्या होता, पानी देने से क्या होता है, कभी कभी हम बोलने लग जाते हैं ना, नहीं, ये सबके सब साइंस है। सबके सब तुलसी पौधा देखना, क्योंकि जो तुलसी पौधा एक ही वृक्ष है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। और जितने सारे वृक्षों को देखोगे दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेकिन रात में क्या होता है सारे वृक्ष छोड़ते हैं। लेकिन हम जो तुलसी पौधा कह रहे हैं वो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन रात में भी। अभी कोरोना आया था ना,
करुणा आया था ना, अब बताओ सबसे पहले करुणा का मेडिसिन कौन निकला? अरे किसने निकाला? रामदेव बाबा ने। देखना करुणा निकला था, अब उसको पढ़ करके देखना उसमें क्या है। 80% उसमें तुलसी था। ये करुणा सब जगह पर व्याप्त किया लेकिन एक जगह पर नहीं गया। कहते हिमाचल में एक गांव के अंदर में कोई करुणा करुणा गया नहीं, लोग एकदम आनंद से घूम रहे थे। तब इतने में मीडिया लोग पहुंचे, बोले भैया सारा दुनिया में करुणा है, देखना उसमें घर में सब बंद थे ना कोई बाहर, लेकिन वहां पर कोई घर में बंद नहीं, सब घूम रहे थे। तब मीडिया वहां पर पहुंचा, भैया ये लोग कैसे घूम रहे हैं आनंद में। वहां पर जाकर देखा पूरा गांव गांव में तुलसी बिखरा था, पूरा गांव हर घर घर में 20-25 बजे तुलसी, हर पूरा गांव गांव में तुलसी बिखरा था। इसीलिए वहां पर कोई करुणा वहां पर अफेक्ट नहीं किया करुणा, इतने शक्ति है तुलसी में। जहां पर ये तुलसी बिखर रहे ना, जितने गंदी बैक्टीरिया को ये खत्म कर देती है, खत्म कर देती है। इसलिए तुलसी की बड़ी महत्व है। इसलिए हम जो गले में तुलसी कंठी पहनते हैं ना, ये भी साइंस है। जैसे स्नान करो, स्नान करते समय पानी टच करेगा तुलसी में, शरीर में जाएगा, जितने बीमारी खत्म कर देता है। अब रामदेव बाबा का दुकान में जाकर देखना, पतंजलि में तुलसी जूस बिकता है। किसी दुकान में जाकर के मेडिसिन ढूंढना जिसका नाम तुलसी भावा, आज ढूंढ लेना। अब उसको देखना, एक बोतल मिलेगा सीसी, उसमें एक पेपर मिलेगा, उसको पढ़ करके मेरे को बताना क्या लिखा हुआ। कहते 200 तरह का बीमारी की जो मेडिसिन ये तुलसी प्रक्रिया में, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी से सही नहीं होगा। कैंसर तक भी एक माता जी हमारे परिचित थे, सारे डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गया, बोले तुलसी का जूस पिया कर, उससे उसका कैंसर सही। जब सारी दुनिया की मेडिसिन फेल हो गया, काम की ये तुलसी, ये तुलसी काम की। इसलिए गले में जो तुलसी कंठी हम पहनते हैं ना, स्नान करोगे ना पानी जाएगा, वो बहुत सारी बीमारी को खत्म कर देता है, बहुत सारी बीमारी को खत्म कर देता है। शास्त्र में बताया जो गले में कंठी पहनते हैं, स्नान करते हैं, पृथ्वी का सारे तीर्थ में उसका नहाना हो जाता है। और तुलसी आप लोग तो हिंदू लोग सब जानते हो, सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती होती कि नहीं, देखे कि नहीं? क्यों? वो लक्ष्मी है। गले में कंठी मतलब तुलसी मतलब क्या हो गया? गले में कौन आ गई? लक्ष्मी की निवास हो गई। भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, अपनी अपना स्वरूप को कहाँ रह कर गए? तुलसी में रह कर गए। वृंदावन गए हो? कौन कौन गए? बोलते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहार, मतलब क्या है? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बना मतलब जहाँ तुलसी का बन वहीं पर कृष्ण है। गले में कंठी मतलब कौन आ गई? बोलो लक्ष्मी नारायण, स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण तुम्हारे गले में आ गए हैं, लक्ष्मी नारायण आ गई। इसलिए जब महाराज जमदूतों को कहते हैं, बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं ना हमारे पास में मत लाया करो, बोले पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता? जब स्वयं कहते हैं, बोले उनके शरीर में तीन लक्षण देखोगे, जैसे एक सदवास थे, कैसे पता चलता है? चुड़िया पहनती हो, जैसे सिंदूर लगाते हो, क्या कहा आवाज कहाँ सर? इसलिए कहते जैसे सिंदूर भरती हो, मांग भरती हो, है जैसे, इससे पता चल जाता है ये सदवा है। कहते उसी तरह जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका शरीर में भी लक्षण दिखेगा। बोले क्या? बोले ललाटे तिलकम, वो तिलक लगाए हुए देखोगे, हैं तिलक भी लगाए हुए गले, कंठे त्रिकंठी का गले में तुलसी की माला देखोगे। ये जब महाराज स्वयं कहते हैं, समझ जाना ये भगवान की भक्ति करते हैं, और उनको दूर से प्रणाम कर लेना। मगर जब स्वयं कहते हैं उनको प्रणाम कर लेना, समझ लेना भगवान की ये भक्ति करते हैं, भगवान की ये भजन करते हैं। इसलिए गले में कंठी तिलक की बड़ा महत्व है। हम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई महाभारत देखे, रामायण देखे हो, देखना जैसे कोई विजय काम अच्छे युद्ध के लिए जाते हैं, उसको टीका लगा कर भेजते हैं, भेजते कि नहीं? टीका लगा कर भेजते कि नहीं? घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, अब देख लेना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना, तुम्हारे घर का पूजा भी नहीं करता। पहले तिलक लगा करके ही पूजा करेगा। शास्त्र में बताया क्यों? तिलक के बगैर जो पूजा है ना, वो पूजा निष्फल है, निष्फल हो जाता है। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व। और हम लोग जो तिलक धारण करते हैं ना, देखिए ब्रह्मा बीच में विष्णु या महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो है ठाकुर का, दो चरण गोविंद देव का,
और उसका नीचे देखो जैसे तुलसी बता देते हैं ना, ये जैसे ठाकुर के चरणों में जैसे तुलसी बताती है। अब भगवान कृष्ण को देखो, देखो कृष्ण को देखो, तिलक लगाए कि नहीं, कहीं राम है देख लेना, गणेश जी का देख रहे हो तिलक लगा, हनुमान जी को देखे हो कभी तिलक लगाए, राम को कभी देखे हो तिलक लगाए, नारायण को देखे हो, उनको तो आधा मुंह तिलक में देखोगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, भगवान को तिलक लगाने में शर्म नहीं आता, लेकिन हमें शर्म आता। भगवान स्वयं तिलक लगाते, ठाकुर स्वयं तिलक लगाते, दुनिया का जो मालिक, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक, वो स्वयं तिलक धारण करते हैं। इसलिए जरूर तिलक लगानी चाहिए, तिलक का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए तिलक कंठी इसकी बड़ा महत्व है, है? हमारी हमारे अब गूगल में खोल कर देखना, उसको बताओ तबीयत भी खराब होती है, परेशानी भी आती है। तो देखो हमारे यहाँ पे परेशानी होते, हम लोग सुखी रहना चाहते हैं, सब लोग जो भी करते हैं किस लिए करते हैं, सुख के प्राप्ति के लिए। गाँव में डॉक्टर रति रंजन सेठी साउथ में गए, तो दक्षिण भारत में गए, तो दक्षिण भारत में रामानंद संप्रदाय के सारे साधु रहते हैं, और दक्षिण भारत में आज भी सब लोग सुबह उठ के तिलक करना संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत में आज भी सब संस्कृति से जुड़े हुए हैं मोटा मोटी। तो रामायण जैसे सब टीवी शोज देखते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि कोई युद्ध करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तिलक करते हैं। बोले तिलक साधारण नहीं है, इसका नाम है विजय तिलक। बोले विजय तिलक कहाँ क्यों बताया गया, तो बोल रहे हैं कि जत्र ठाकुर के अंग में गोरज द्वारा तिलक कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर को भी ये तिलक का इतने। देखिए हम लोग महाभारत देखते हैं, उसमें कर्ण को देखे हो, कर्ण एक नाम सुने हो कि नहीं, इसलिए इनका इतना तिलक नहीं था। तो बता रहे हैं कि एक जगह पे नोएडा में एक्सीडेंट हो गए, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गए, चला रहे थे ऋषि प्रभु, ड्राइवर कर रहे थे, ऋषि प्रभु चला रहे। इसमें बताए कि एक समय कनाडा में किसी एक इस्कॉन भक्त, इस्कॉन डिवोटीज, उसने पूरा शरीर में तिलक लगा रखे हैं, और कोई एक भक्त उनके साथ मतलब बिना तिलक के थे, तो दोनों रोड पे जा रहे थे। और कनाडा में किस प्रकार ड्राइविंग किया जाता है आप सबको पता ही होगा, फॉरेन में ये सबका विचार नहीं है, पूरा हाई स्पीड ले चलाते हैं। तो स्पीड ले चलाते चलाते इन दोनों को टक्कर लगा दिया, दोनों को टक्कर लगा दिया। एक का तो जिन्होंने तिलक नहीं किया था उनका पूरा हार्ट में इतने जोर से लगाए थे, उनका एक खरोज भी नहीं आया, उनका एक खरोज भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसे ही पूरा एक्सीडेंट में दोनों एक साथ ही जा रहे थे, पूरा एक साथ, लेकिन एक का हो रहा है और एक का नहीं हुआ। तो डॉक्टर सोम ने उनको रिसर्च किया, रिसर्च करके बता रहे हैं कि सच में ये तिलक में कुछ ऐसा चीज है। हम लोग बोलते हैं हमारे स्क्रिप्चर को, हमारे सनातन धर्म को, कंठी तिलक लगाया करते थे, हाँ, घर घर में कुछ ना कुछ संस्कार दिया करते थे, बच्चे माता पिता का पैर छुआ करते थे, हाँ कि नहीं, बच्चे माता पिता का सेवा किया करते थे। पहले आप पहले देखोगे, पहले आप कुछ अपने दादा परदादा के टाइम में जाओगे तो घर में संस्कार था, सारे फेस्टिवल मनाते थे, होली दिवाली किस लिए होता था वो सब जानते हैं, और तो और सब चीज करते थे, जो जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे सनातन धर्म के लिए सब चीज करते थे। और विदेश में क्या होते थे, 10% नहीं कर, 10% बस थोड़ा थोड़ा मानते थे और 90% नहीं मानते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, आजकल हमारे इंडिया में 10% मानने लगे हैं। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। जोर से बोलो राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ध्यान देकर सब आजकल ऐसा हो गया है कि पहले तो इंडिया में 90% लोग, सब लोग सनातन धर्म को मानते थे, अपने संस्कृति में जुड़े थे, बस 10% ऐसा गिने चुने थे जो नहीं मानते थे, हाँ हो सकता है, फिर भी वो मान लेते थे।
और विदेश में क्या होता था, पहले 10% लोग भगवान को मानते थे और 90% नहीं मानते थे, लॉजिकली सब प्रूफ करने में लगे पड़े थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, बोले 90% विदेशी आजकल भगवान को मानने लगे हैं, धीरे धीरे इंडियन कल्चर को अपनाने लगे हैं, धीरे धीरे उनका जो खराब कल्चर है उस सब को छोड़ छाड़ के वो लोग हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को सबको अपनाने लगे हैं, होली दिवाली मनाने लगे हैं। आगे नहीं, यूएस में देखो कई सारे लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अयोध्या भी उनको ये सब बारे में पता नहीं, फिर भी हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन हम लोग देखो, पहले 90% लोग भक्त मानते थे, आजकल 90% मानते नहीं, गिने चुने जो है जो हमारे सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके जो खराब कल्चर उसको अपना रहे। राखी हमारा छूट गया है, रक्षाबंधन हमारा आ गया है, सिस्टर डे हमारा रक्षाबंधन छूट गया है। वो लोग ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पे अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि रक्षाबंधन के लिए बड़े बड़े क्लब्स में बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, अभी आने वाला है। लेकिन हम लोग रक्षाबंधन कब होता है सब भूल गए हैं। सिस्टर डे, बोले यूरोप में सिस्टर डे किसको मनाते हैं पता है, बोले मैकोली ने सबसे पहले इस सिस्टर डे किसको मनाते हैं, एक मिनट में बता देता हूँ कि वहाँ पे विदेश में किसी एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर आप पूछोगे व्हाट इज योर पेरेंट्स नेम तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। बोले केस क्यों होगा, क्योंकि उसका एक मम्मी पापा तो है नहीं, इसलिए उसके आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि किसी नाजायज बहन अपने नाजायज भाई से साल में एक बार मिलता है, किसी नाजायज बहन किसी नाजायज भाई से साल में एक बार मिलता है, क्योंकि हो ना हो कहीं मेरे ही तो खून है, इसलिए ऐसे सोच करके वो मिलता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टर्स डे। और राखी जैसे जो पवित्र संबंध है उसको हम छोड़ छोड़ के हम क्या मना रहे हैं, सिस्टर्स डे। कुछ दिन पहले ब्रदर्स डे आया था, ऐसे ही ब्रदर्स डे उनके यहाँ ऐसे ही होता है, आज भी होता है। तो दिल्ली में बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में वो क्या करते थे, कैंडल लेके ब्रदर्स डे रैली ये सब निकाल रहे हैं। इसलिए वो लोग हमारे कल्चर को कितना अपना रहे हैं, है ना, हम लोग अपने अपने कल्चर को कितना छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं, कितना हमारा ऐसा स्थिति हो गया है। सब लोग बोलते हैं कि हमें विदेश जाना है, विदेश जाना है, भाई विदेश जाके करेंगे क्या। कोई एक व्यक्ति विदेश गया तो हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने उसको बोले, बोले विदेश आए हो, हाँ, बोले क्या करोगे, नहीं यहाँ पे कमाऊंगा, पैसा वैसा करूंगा, कमाऊंगा, जॉब करूंगा। उसके बाद क्या करोगे, बोले जॉब करने के बाद और क्या, शादी करूंगा। उसके बाद क्या करोगे, बोले बच्चे को पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या करोगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके शादी करवा दूंगा। उसके बाद क्या करोगे, बोले रिटायरमेंट। उसके बाद क्या करोगे, नाती पोती को संभालूंगा। बोले उसके बाद क्या करोगे, बोले मर जाऊंगा। ओह, इसका मतलब इंडिया से विदेश मरने के लिए आए थे। अच्छा, इंडिया में तुम्हें मौत नहीं मिल रहा था कि विदेश मरने के लिए आए थे। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे, हमारे मेरे एक भाई यूएस में है, वो बता रहे थे कि हम लोग जैसे ट्रॉफी चॉकलेट खरीदते हैं ना यहाँ पे, वैसे ही यूएस में डिप्रेशन की गोलियां मिलती है। हम लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं कि नहीं, हम लोग चैन की नींद सो पा रहे हो तो सबके सब, किसी के पास डम्बलॉक बेड नहीं भी हो, खाट भी हो या मैट भी हो, वो सो पा रहे हैं कि नहीं। देखो विदेश में इतने भी नसीब नहीं, चैन की नींद वो सो भी नहीं पाते हैं। हाँ, इसीलिए देखो अभी रथ यात्रा था ना, रथ यात्रा में एक मुसलमान कंट्री में क्वाइट में, हाँ क्वाइट, उसमें रथ यात्रा हुआ। तो रथ यात्रा हुआ तो उसमें जितने भी मुसलमान लोग तो सब तो पहले तो विरोध कर रहे थे, फिर बाद में रथ यात्रा के लिए अप्रूवमेंट दे दे कि हाँ रथ यात्रा होगा। तब रथ यात्रा होने के बाद क्वाइट में जितने भी भक्त लोग थे, नाच कूद किए, कीर्तन किए और बहुत सारे लोगों को जुड़े। जुड़ने के बाद वो लोग जब घर में जाते हैं, और एक स्टेटमेंट निकाले थे, एक न्यूज में आया था कि क्वाइट में 50% लोग चैन की नींद सो रहे हैं, केवल भगवान के हरिनाम कीर्तन के द्वारा उनके सारे कष्ट, सारे दुख, सारे जितने भी ट्रेसेस, सारे डिप्रेशन सब के सब नष्ट हो गया और चैन के नींद सो रहे हैं 50% लोग। अभी कुछ दिन पहले आया था
इसीलिए ये जो भगवान के नाम है, ये जो तिलक है, ये जो कंठी है, हम लोग क्या करते हैं, इस जगत के सारे चीज को फॉलो करते हैं। हम लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज के हीरो को फॉलो करते हैं। भैया कोई हीरो टिका है आजकल? कोई हीरो टिका है? सब गए। सुशांत सिंह राजपूत था ना, सुशांत सिंह राजपूत, उसके करीब 10 करोड़ फैन फॉलोअर्स थे, 10 करोड़ से भी ऊपर उसका फैन फॉलोअर्स थे। तो इतना उसका फैन फॉलोअर्स थे कि सुशांत जैसे हेयरस्टाइल करेगा हम स्पाइक करेंगे। सुशांत बीच में क्या क्या स्पाइक से हटा करके जैसे बॉब कर दिया था, तो हम स्ट्रेचलिंग करेंगे, बॉब करेंगे। बोले सुशांत ने ऐसे ऐसे मकान पे रहता था, ऐसे ऐसे उसका डेली रूटीन से, बोले हम भी ऐसे करेंगे। यहाँ तक कि एक रिक्शा वाले के बच्चे ने पुणे के एक गांव में, रांझन गांव बोल के न्यूज में आया था, वो बच्चा अपने बाप को बोल रहा है, अरे पापा पापा मुझे कुछ, मैं कुछ आपको मांगूंगा, आप दे सकते हो? हाँ बेटा मेरा जितना औकात है मैं उतना तो तुम्हें दे ही सकता हूँ। बोला आप एक घर भेज दो। बोला आप एक घर भेज दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, इस घर भेजने के बाद टाइटेनिक का वॉच लाऊंगा, वॉच पहनूंगा टाइटेनिक का। बोले क्यों टाइटेनिक का वॉच पहनोगे? बोले मेरा फैन सुशांत पहनता है ना, इसीलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ, इसीलिए टाइटेनिक का वॉच पहनूंगा। लेकिन बताओ 7 करोड़ से 10 करोड़ लोग उसको फैन फॉलोअर थे, फिर भी जब वो मर गया, सुसाइड कर लिया, कितने लोग सुसाइड किए? एक भी किए? अरे बढ़िया बात बोल रहे हो, आप बोल रहे थे कभी तो फैन फॉलोअर थे, सब चीज फॉलो करते हो, इसको भी फॉलो करो ना। बोले वो मर गया, हम भी कूद जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी गले में रस्सी देंगे। बोले कोई नहीं, कुछ दिन पहले एक सिंगर सामने कर गए, ये कीर्तन में क्या रखा हुआ है? सिंगर्स आते हैं, उनके बस मरने के बाद सारे कीर्तन क्लब, सारे उनका सॉन्ग, जितने भी रॉक पॉप क्या क्या होता है, हिप हॉप, सब के सब खत्म। एक सिंगर साहब तो उसके सपोर्ट में बोलने के लिए राजी नहीं, बल्कि किस चीज का फॉलोअर्स, किस चीज का फैन। कोई बोलते हैं हम लोग बड़े बड़े जिम्स जाएंगे, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे, इसमें टाइम उनको अवॉर्ड देने वाले थे। तो वो लोग मुंबई से हाईवे गाड़ी में और पुणे आ रहे थे, और बस 1-2 किलोमीटर बाकी है, 1-2 किलोमीटर बाकी है, और वहां पे उनका एक्सीडेंट हो गया और 6 के 6 वहीं पहुंच गए। पता जो 40 साल दिया, अगले जन्म में क्या बड़ी बिल्डर बन के पैदा होंगे? होंगे? देखना, कोई अगर व्यक्ति मर जाते हैं तो बोलते हैं अरे सोने चांदी पहले उतार लो। यहाँ तक कि ऐसे घटना है मणिपुर में, कुछ दिन पहले कोई बुढ़ी अम्मा, बुढ़ी औरत की मृत्यु हो गई, तो कान में एक सोना रह गया था, तो उनके बच्चे लोग कान को आधा काट करके सोने निकालते। भैया देखो तुलसी होगा तो कोई नहीं काटेंगे, यही चीज जाएगा। और इसलिए देखो हम सब चीज करते हैं पैसे के लिए, चाहे जैसे कोरोना आया था है, आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन के लिए कितने लड़ाई, ऑक्सीजन का कीमत कितना बढ़ गया। अब देखा ना ब्लॉक में कितने पैसा में बिकता था ऑक्सीजन, लेकिन जन्म जिसने हमारे नाक को पास में ऑक्सीजन रख दिया, अभी तक भगवान ने कुछ पैसा मांगे हमें? कुछ पैसा मांगे? बोले जन्म से अभी तक तुमको ऑक्सीजन दिया, अभी भगवान कोई पैसा मांगे हमसे? नहीं मांगे ना, है ना? कोई भी पैसा नहीं मांगा। इसलिए सूरदास जी उसकी हर चीज में हम ऋणी हैं, हम हर चीज में उसकी ऋणी हैं। जो दुनिया के लिए हम इतने समय निकालते हैं दुनियादारी के लिए, तो उसके लिए तो थोड़ा समय निकालना चाहिए कि नहीं? हाँ, सबसे पहले उसके लिए समय निकालो सबसे पहले, क्योंकि हमारे बड़े संसार में है। अभी तक तो संसार में किसी को खुश कर पाए देखना, हमारे पीछे हमारी चुगली होती होगी, होती होगी कि नहीं? चुगली के सिवाय दुनिया तुम्हें कुछ भी देने वाले भले ही तुम जितने कर लो संसार के लिए, लेकिन ठाकुर जी को देखो। गुरु जी कहते थे भगवान कृष्ण की अंगुल कट गया, भगवान परीक्षा कर रहे थे, वहां पर द्रौपदी थी, उसने साड़ी फाड़ बैंडेज कर दी भगवान की अंगुल में, ठाकुर जी इतने में ही रिझ गए। भगवान कृष्णा सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिलेगा, कब मैं द्रौपदी का ऋणी चुका हूं। जब भरी सभा में लाश जा रही थी, महाभारत देखे ना,
द्रौपदी कितने कितने पति थे? पांच है ना, जाएगी ना देखना, जब शरीर छोड़ जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, सुने कि नहीं? वही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते। किसको बोलते? बेटा जितने जीवन में तुमने कृष्ण का नाम लिए हो, जितने तुमने हरि का नाम लिए हो, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, कहते सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय जीवन में जाएंगे शमशान तक जाएंगे, उसको आगे कोई नहीं जाएगा, आगे क्या जाएगा? इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने हरि का नाम करेंगे वही साथ में जाएगा। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, सौ काम छोड़ करके अपना भोजन करो और हजार काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, हैं, और करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान के भजन करो। बोले क्यों? जाएगा तो वही साथ, कोई जाएगा नहीं, अब तो कोई जाएगा नहीं साथ में, जाएगा तो प्रभु के नाम तो जाएगा ना, तो उसके लिए थोड़ी समय क्यों नहीं दे, हैं? इसलिए गुरुदेव कहते सबसे पहले उनके लिए समय दो। इसलिए दर्शन करने जाते हैं हजार लोग, मैं तो बोलता हूँ भैया जयपुर सतमुच से जयपुर गए गोविंद देव इतने सब। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे पति। इसलिए जो संपत्ति बने को, हनुमान जी को देखो, तुलसीदास जी को देखो, मीरा जी का नाम देखो, अमर हो गए कि नहीं जगत में? क्यों? हरि की भक्ति करते थे। इसलिए क्या करो? भगवान की भजन करो और जीवन में सुख में रहो और आनंदना शुरू कर दिए। बोले भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से कुरान पढ़ाया जाता? बोले कंपलसरी 2 साल उम्र में उन्होंने कुरान अपना उर्दू भाषा कंपलसरी पढ़ाया जाता है। इसने धर्मों के बारे में जो जो बताया वो बच्चा 70 बच्चा में एक बच्चा उत्तर दिया, लेकिन एक हिंदू बच्चा का मुंह नहीं खोला। बोले गीता का कोई श्लोक जानता है? बोले नहीं। बोले रामायण का कोई चौपा जानता? बोले नहीं। बोले गीता की भागवत की? बोले नहीं। किसी की मुंह नहीं खोले, सारे हिंदू बच्चे उसको सामने लज्जित हो गए। और एक मुसलमान बच्चा सारे प्रश्न का उत्तर दिया अपना कुरान के ऊपर में। इतने दुर्भाग्य हमारी है, हमारे बच्चों को पूछो कौन सा हीरो का नाम क्या है, बच्चों को पता है कौन सा हीरोइन का नाम? जितने घटिया चीज पता है। हमारे जो बड़े गुरु जी थे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज, उनको किसी ने आकर के बोले गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते, गुरुदेव रे बोले रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण पढ़ाए? बोले नहीं। बोले बच्चे बात कहाँ से सुनेंगे? कहाँ पर बताया सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छो, कहाँ पर बताया पिता माता के चरण की सेवा कर, रामायण देखे होंगे ना? रामायण बताया हमें, प्रात उठाई रघुनाथा, हनुमात पीत गुरु नमय माता। भगवान सबसे पहले सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते थे। रामायण देखे होंगे दशरथ महाराज के चरण को भगवान स्वयं चरण दबाते, गुरुदेव कहते थे। बोले रामायण खुद तो पढ़ा नहीं, बच्चों को स्मार्टफोन पकड़वा दिए, ले पबजी देखते रहे, गुरुदेव बोलते थे सब बात को। बोले पहला दोष पिता माता की, कोई स्वयं भक्ति में कोई रुचि नहीं, बच्चों को अंदर में क्या करेंगे, खुद तो किया ही नहीं, बच्चों को शिक्षा क्या देते। गुरुदेव बोलते थे उनका देश का सेवा करे तुम्हारी, बच्चे सेवा कर क्या करो, रामायण पढ़ो, बच्चों को रामायण पढ़ाओ, हैं, पढ़ो और पढ़ाओ, खुद भक्ति करो, बच्चों को अंदर में भक्ति की ना, तो कहां से बनेंगे तुम्हारी ऋणी? अगर स्वयं भक्ति का विरोध करने लग जाओगे क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चे हमसे? इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया भक्ति में जागृत हो, नहीं तो धीरे धीरे कैसे भाग्य से आ गया मोदी, हमारे घर को दखल करेंगे मुसलमान, ये एक हिंदू का घर में रुकने नहीं देंगे, क्योंकि इनका धर्म में कोई वफादार नहीं और इनको कोई धर्म में कोई रुचि नहीं। वो खुद बोल रहा था, बड़ा पुलिस ऑफिसर मेरे को, वो कोई हम जा रहे थे किसी ऑफिसर के पास में बोल रहा था। इसलिए कहते अगर धर्म में जागृत नहीं होंगे ना, धर्म में अगर जागृत नहीं होंगे, उनका देखो कितने धर्मों का प्रति निष्ठा कितने, देखो कोई एक मुसलमान को कभी भी नहीं देखोगे अपना धर्म पर कभी अंगुल उठाते हुए, कभी देखे हो कोई बता सकते हो एक मुसलमान को? नहीं।
धर्म को पर अंगुल कौन उठाता है? हिंदू उठाता है। भगवान को नहीं मानते, ठाकुर की सेवा पूजा को नहीं मानते। दुर्भाग्य हमारी है, इसलिए हम घटते जा रहे हैं। एक एक देश गया, इंडोनेशिया गया, हमारे पाकिस्तान एक एक गया, हिंदुस्तान भी खदेड़ देंगे तुमको यहाँ से, मुसलमान खदेड़ दे। इसलिए धर्मों के प्रति जागृत हो जाओ, ठीक है ना। हरिनाम करो, भक्ति करो, खुद करो, बच्चों को करो।